हेलो गाइस, व्हाट इज अप? दिस इज योर फ्रेंड फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर हियर। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज मैं सिखाने वाला हूँ बेसिक्स ऑफ द एप्टीट्यूड, ऑल द बेसिक्स ऑफ द एप्टीट्यूड, जो भी आपको गेट के लिए काम में आएंगे, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी काम में आएंगे। और बहुत बेसिक लेवल से हम सारे के सारे अपने जो एप्टीट्यूड है वो स्ट्रांग करना शुरू कर देंगे। और बाकी आपको एक बुक दी है मैंने, जो कि व्हाट्सएप के ग्रुप पे डाल के रखी है, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा मैं, वहां से आप इसके ऊपर के प्रैक्टिस सम सॉल्व करके ये वाले कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर सकते हो। आज हम देखने वाले डिविजिबिलिटी, इंडाइसेस, सेट्स वगैरह, बाकी सब भी। तो वेलकम बैक टू अवर सीरीज वेयर वी विल टीच 5 कॉन्सेप्ट्स डेली अंटिल गेट 2025। दिस इज योर डे 6 और आज की बात करते हैं, चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी देखो, ये आपने 10th में सीखा होगा, ये आपने 12th में सीखा होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये बहुत ज्यादा डिमांड में है, हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, डिविजिबिलिटी बाय टू ये क्या बोलती है? देखो, डिविजिबिलिटी बाय टू, भाई सबको तो पता ही होगा, ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू। अभी देखो, 2, 4, 6, 8, 10, अभी एक नंबर दिया आपको 2,000, 500, 5 करोड़, ये कितना 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 इतना बड़ा नंबर दिया, और लास्ट में दिया आपको 0, तो आपको 0 से पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल बाय 2 है। 4 से पता चल जाएगा, 6 से पता चल जाएगा, 8 से पता चल जाएगा आपको ये डिविजिबल बाय 2 है। अगर इवन नंबर यूनिट प्लेस पे है तो आपको पता चल जाएगा ये डिविजिबल बाय 2 है। अगर ऑड नंबर यूनिट प्लेस पे है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं रहेंगे। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 3। ओके, ये चेक करने का सबसे बहुत बहुत इजी रास्ता है, जैसे कि आप एक नंबर ले लो 1, 2, 3, 4, 5। ओके, डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन सम की एडिशन करेंगे हम। 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 3 6, और 6 + 4 10, 10 और 5 15। तो ये बड़ा, देखो 15 3 से डिविजिबल है वो तो आपको पता ही होगा भाई, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, 3 5 15। ओके, मैं सीबीएसई हूं तो 5 वीजा चलता है। ओके, तो ये इनकी एडिशन कितनी आई, 15। तो 15 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर किससे हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है। डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करते हैं। ओके, अगर सम ऑफ द नंबर्स, अगर सम ऑफ द नंबर्स इसी नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, ओके, इसकी एडिशन क्या आई 15, 59 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, तो ये नंबर डिवाइड हो पाएगा 9 से, नहीं। अभी सिंपली एक नंबर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8 ले लिया हमने, अभी देखेंगे 1 + 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18, ओके 18, 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी किससे, 9 से डिविजिबल होगा, और रिमाइंडर क्या देगा 0, जितने के आपके 9। ओके, तो अंडे दे दिए। ओके, डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4, द नंबर डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्मड बाय इट्स लास्ट टू डिजिट। ओके, देखो 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 देखो, ओके बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर ले लो, अपन नंबर ले लेंगे कौन सा, 1,20,24,560। ओके, ये पूरा अगर नंबर भी ले लिया हमने, ओके आगे 20 भी ले लेंगे, ओके ये पूरा भी नंबर ले लिया, 4 के डिविजिबल होने के लिए आपने को क्या चेक करना है, बस 20 पे चेक करना है, लास्ट टू डिजिट्स, लास्ट टू डिजिट्स देखेंगे, 20 डिविजिबल बाय 4 है क्या, है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 होगा। ओके, होपफुली आप ये चीज समझ पा रहे हो। ओके, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल बाय 4 हुए तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। ओके, वैसे ही 8 के लिए क्या होगा, 8 के लिए सिमिलर, ओके सेम, अपन कौन सा भी नंबर लेंगे 1, 2, 4, 8, 6, 7, और लास्ट के 3 डिजिट 100 है। ओके, 100 8 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो क्या लास्ट के 3 डिजिट कब फोकस करना है 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, और लास्ट के 2 डिजिट कब चेक करने हैं 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। होपफुली आप ये वाली भी चीज आप समझ पा रहे हो, 8 तक की डिविजिबिलिटी होगी। अभी डिविजिबिलिटी बाय 10, अगर ये किसी बच्चे को नहीं आता तो आपको गेट में मार्क मिलेंगे 0, जो कि आपकी अटेंडेंस भी होगी। ओके, तो अटेंडेंस तो भाई अटेंडेंस की तो बात ही मत करो, वैसे भी इंजीनियरिंग का कोई लौंडा अटेंड नहीं कर रहा कॉलेज। ओके, तो डिविजिबिलिटी बाय 10 पता चल गया, 0 दिखा तो क्या है, डिविजिबल बाय 10 है। यूनिट प्लेस पे अगर 0 है तो डिविजिबल बाय 10 है, और यूनिट प्लेस पे अगर 0 और 5 है तो डिविजिबल बाय 5 है। 105 डिविजिबल बाय 5 है क्या, नहीं, अभी LKG UKG के बच्चों को सिखा रहा है ऐसे लग रहा है। ओके, चलो कोई बात,
बड़ा अपने भाई बेसिक से लेना है, डिविजिबिलिटी ब्लॉय 11 इतना कुछ पूछता नहीं है, इतना कुछ पूछता नहीं है, पर कभी बाय लक चांस अगर पूछ लिया आपको तो क्या करना है आपको, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेस लेना है, सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस लेना है, उनकी सब्सट्रैक्शन करना है, 11 आया डिविजिबल है या नहीं पता चल जाएगा। ओके सिर्फ देखो देखो 1 2 3 4 5 6 ओके सम ऑफ द डिजिट्स एट क्या है ऑड प्लेस, ऑड प्लेस क्या है 1 3 5 इनकी सम करो 8 और 3 5 और 3 8 8 और 8 9 ओके 2 और 4 6 6 और 6 12 ओके ये करना है आपको हमेशा, यहां तक के डिविजिबिलिटी नहीं पूछेंगे बस, इनकेस पूछ लिया तो आपको क्या करना है, सॉरी खेल गया ओके तो आपको क्या करना है ये बस रीड करके जाना है। आपको एक बुक भेजी है मैंने आर एस अग्रवाल की, आर एस अग्रवाल की बेस्ट बुक है भाई एप्टी के लिए, आपको उसमें ना कम से कम हर एक टाइप के 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको लेनी है बुक, रैंडमली 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो छोड़ दो, रैंडमली 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करो छोड़ दो, समझ रहे हो। इधर ये नंबर लिया था उनने, उनने क्या किया देखो 7439 ओके कहां पे है 7439 ओके फर्स्ट थर्ड और बाद में ऐसे 1 3 फर्स्ट प्लेस थर्ड प्लेस फिफ्थ प्लेस और सेवेंथ प्लेस की एडिशन कर दी और बाद में क्या किया उसको सब्ट्रैक्ट किया 2 सेकंड प्लेस फोर्थ प्लेस सिक्स्थ प्लेस और एट्थ प्लेस की एडिशन से। ओके डिविजिबिलिटी बाय 25 भाई, डिविजिबिलिटी बाय 25 का कुछ नहीं रहता भाई, 5 से डिवाइड जाता है और क्या फॉर्म बाय इट्स लास्ट टू डिजिट्स इज आइदर 00 और डिविजिबल बाय 25 ओके 25 से 00 होने चाहिए नहीं तो 25 50 और 75 अगर होगा लास्ट डिजिट्स में तो डिविजिबल बाय 25 ओके इतना कुछ पूछते नहीं है बस आपको होना ओके वो नहीं होता केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं अपन एक्सेप्शन केसेस पूछने को कोई कोई एग्जामिनर होता है ना उसमें वो होता है उसमें वो कीड़ा होता है नीचे जो ऐसा बड़बड़ करता है तो वो क्या करेगा वो पूछेगा वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है ये सब के लिए ओके समझ रहे हो। तो अभी देखेंगे ओके डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13 डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13 इसके लिए क्या करना है आपको सिंपली एक नंबर ले लेंगे यही वाला नंबर ले लेंगे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा 7792 ओके ये वाला नंबर लीजिए आपको 3 के ग्रुप में डिवाइड करना शुरू करना है ओके 3 का ग्रुप बनाया 3 का ग्रुप बनाया राइट हैंड साइड से 3 का ग्रुप बनाया अभी देखो ये और ये ग्रुप ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है 790 कितना होता है 6 माइनस कितना हुआ 796 माइनस 537 आपको तीन तीन का ग्रुप बनाना है कौन सा भी नंबर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको तीन तीन का ग्रुप बनाना है तीन तीन का ग्रुप अभी ये तीन का ग्रुप बना ये तीन का ग्रुप बना इनको ऐड करेंगे और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे अभी इससे भी अगर ज्यादा नंबर्स हुए आगे आगे और नंबर्स हुए तो इसके साथ ये वाला ग्रुप आ जाएगा ये वाले की एडिशन करेंगे और इनसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपल है बहुत सिंपल है भाई एक दो क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे हो जाएगा ओके डिविजिबिलिटी बाय 16 के लिए क्या होगा 4 डिजिट लास्ट 4 डिजिट ओके देखो 4 के लिए हमने कितने लास्ट 2 डिजिट पे ध्यान दिया 2 के लिए अपने लास्ट 1 डिजिट पे ध्यान दिया 6 कितने 8 के लिए अपने लास्ट के 3 डिजिट पे ध्यान दिया अभी 16 आया है तो कितने डिजिट पे ध्यान देना है लास्ट के 4 डिजिट अगर लास्ट के 4 डिजिट आपके 16 से डिवाइड होंगे तो कितना भी बड़ा नंबर रहे तो वो 16 से डिवाइड हो जाएगा ओके होपफुली आपको डिविजिबिलिटी समझ आ गई बाकी तो 6, 12, 15, 18, 14, 24 ये तो मजाक के काम है 6 से कब डिविजिबल होगा नंबर अगर नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा तो 6 से डिविजिबल होगा 12 कब होगा 4 और 3 होगा ओके 4 एंड 3 ओके 4 एंड 3 3 एंड 5 2 एंड 12 ये कुछ नहीं है ओके ये डिविजिबिलिटी आपको ऊपर वाले आ गए एक्सेप्शन केस के साथ तो आपके तो 2 मार्क कंफर्म हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ अलजेब्रिक फार्मूला देखेंगे ओके a+b² + b² / 2 + 2ab ओके फार्मूलेस बाय हार्ट होना ये मिक्स क्वेश्चन में हमने पिछले वाले वीडियो में एप्टी के पहले वाले वीडियो में देखा था इस पे क्वेश्चन कैसे बना था कितना इजी क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए गेट में आपको बुक दे के रखा है आपको एक वर्कबुक दे के रखा है होमवर्क भी दे के रखा है आपको जो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको ज्वाइन करना है नहीं तो मुझे एप्टी की
वर्कबुक दो बोल के मुझे मैसेज कर देना है। ओके, ए माइनस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी ए प्लस बी स्क्वेयर, ये बाद में ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। ओके, तो होपफुली ये वाले फॉर्मूले भी आप थोड़ा बहुत भाई करना पड़ता है, बेसिक है तो ये इतना तो आपको आना ही चाहिए, बेयर मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए, बाकी का आप चांस ले सकते हो। ओके, ये क्वेश्चंस जो होंगे वो अपने लाइव सेशंस होंगे, लाइव के एक्टिव सेशन होंगे, उस पे आपको फुल परमिशन होगी, कौन से भी वेबसाइट से कोई भी क्वेश्चन लाओ मैं वो सॉल्व करूंगा, आपके सामने सॉल्व करूंगा, 2 घंटे के लाइव सेशंस लेंगे भाई, पूरा एप्टी उड़ा देंगे आपका, हर एक डाउट आपका सॉल्व कर देंगे, बस बेसिक वाले फॉर्मूले, ये वाले फॉर्मूले बाय हार्ट करके आना, नहीं तो मुझे ना बताना पड़ जाए कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वेयर क्या है, नहीं तो वो आपके एजुकेशन पे उंगलियां उठाएगा, तो विच इज नॉट फेयर। ओके, लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉज ऑफ इंडाइसेस, ओके ये अपना होने वाला है थर्ड टॉपिक। ओके, ये तो पता होगा ना भाई, ओके 2 raised to 2 है इनटू 2 raised to 3 है, इसका आंसर के लिए क्या करते हैं हम, 2 को कॉमन है, ऊपर वाले को क्या करेंगे ऐड करेंगे 2 raised to 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये तो पता होगा आपको, बहुत बेसिक बेसिक चीज है, एकदम बेसिक बेसिक चीज है, बस सबको एक साथ लाया मैं, इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो, आप ये बाय हार्ट कर लो, आप ये डेली रिवाइज कर लो, वो 5-6 स्क्रीनशॉट, ये इतने ही बस बेसिक आपको पता होने चाहिए, बाकी टाइम वो भाई ये स्पीड वाले जो प्रॉब्लम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बाद में वर्क डन वाले फॉर्मूले है वर्क डन बाय अ मैन, बाद में रिवर वाले जो प्रॉब्लम है रिवर वाले, वो तो मजाक है भाई, अगर आपको ये चीज आती है ना तो ये यही सब आपको वो इनपुट में आने वाला है। ओके, जब डिवाइड में होता है तो क्या होता है, माइनस के लिए जाता है, ये मल्टीप्लाई ऑब्वियसली भाई ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई है। ओके, ये हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ये एन रहेगा तो ऊपर वाले को भी आता है, नीचे वाले को जाता है। ए रेस टू जीरो, एनी नंबर रेस टू जीरो क्या होता है, 1 आता है, वो तो सबको पता ही है, और ए रेस टू 1 तो सबको पता ही होगा कि क्या होता है, ए रेस टू 1 और एनी नंबर रेस टू 1, 121 रेस टू 1, 121 सेम नंबर आएगा ना ब्रो, तो ए रेस टू 1 अगर पता नहीं है भाई, वही नंबर से मल्टीप्लाई करना मतलब स्क्वायर हो जाता है। अभी देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, लॉगरिदम के बहुत ही बेसिक वाले प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, लॉग ऑफ एक्स वाई, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस वाई, एक लॉग ऑफ एक्स ए और एक्स और एक्स कट हो जाता है, नहीं तो ये वाली प्रॉपर्टी देख लो, लॉग ऑफ ए बाय बी, इसकी प्रॉपर्टी बेस पे ए है, बेस पे जो है वो ए है। ओके, तो बेस वाला जाएगा लॉग ऑफ ए नीचे और लॉग ऑफ बी जाएगा ऊपर, ये देखो ऊपर वही प्रॉपर्टी दी है, बस मैंने देखा नहीं था इसलिए माफी चाहता हूँ, बाकी सब प्रॉपर्टीज आप देख के समझ सकते हो, बस ये बाय हार्ट कर लो यार, ये बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बाद में सिखाने नहीं वाला, जो भी अपने लाइव लेक्चर्स होंगे उसमें ये वाले कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, मैं डायरेक्टली लिखूंगा ये वाले कॉन्सेप्ट, तो मैंने सोचा कि भाई डायरेक्टली लिखने से अच्छा एक बेसिक वाला वीडियो बना दूं तब तक के लिए। ओके, सॉरी लाइट चली गई थी इसलिए वीडियो का यहां से नहीं हो पाया, मैं वॉइस ओवर कर रहा अब भी ये सब के लिए, उसके लिए थोड़ा सा फिर चाहता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, ओके प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने जो भी होने वाला है उसके लिए, थोड़ा सा लॉगरिदम का नॉलेज आपको होना चाहिए, गेट में ये वाले पर्टिकुलर लॉगरिदम से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, सेट्स का मैं बता रहा, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में इतना प्रॉपर ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते, उतना प्यारा मैं आपको सेट्स का बताऊंगा, यूट्यूब पे कोई टीचर नहीं होगा इतना सही ट्रिक्स बताएगा आपको वो सेट्स के, कि सेट्स के आपके 4 मार्क तो मैं कन्फर्म करा ही दूंगा भाई, इतने सही ट्रिक्स होते हैं सेट्स के। सेट के क्या होता है, सेट क्या होता है, तो भाई सेट देखो समझ लो, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, ओके सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 100 एंड इन्फिनिटी तक। ओके, अभी सेट ऑफ क्या ले लेंगे, प्राइम नंबर ले लेंगे, ओके नहीं तो सेट ऑफ क्या ले लेंगे, होल नंबर ले लेंगे, होल नंबर में क्या रहेगा, 0 से इन्फिनिटी तक नंबर्स रहेंगे, वहीं पे प्राइम नंबर्स में क्या रहेंगे, जो भी प्राइम नंबर्स है अपने 2, 3, 5, 7 ओके वहीं सब रहेंगे। तो सेट्स है, सेट्स के भी ऑपरेशंस होते हैं, सेट ए माइनस बी, ए माइनस बी का ऑपरेशन हो गया। ओके, फाइव क्या होता है, सेट का सबसे छोटा यूनिट होता है 5, और यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा यूनिट। ओके, तो सेट के ये ऑपरेशंस होते हैं, बी माइनस ए, अभी देखो होल नंबर में से नेचुरल नंबर माइनस करो, ये कुछ पॉसिबल है क्या, नहीं, पर वही आपको प्रैक्टिकली विजुअलाइज करके हो पाएगा। देखो ए माइनस बी है, ए माइनस बी जब भी लिखूंगा मैं, ए वाले पार्ट से मुझे बी वाला पार्ट निकाल देना है, बी वाला पार्ट कौन सा है, देखो वो छोटू सा जो पार्ट आया है ए के बीच में वो हो गया बी वाला पार्ट, तो उसको पूरा
पूरा हटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा कुछ ए मिलेगा। तो ये वाली वैल्यू है वो किसकी है, ए माइनस बी की वैल्यू है, जो छोटा सा पार्ट बचा है। तो ये से बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको कि सेट्स तो भाई मार्क जाने से रहे आपको। 5 मिनट का भी वीडियो बनाऊंगा ना सेट्स का, आप बोलोगे सर क्या मज़ा आ गया। ओके डीएम में हम देखेंगे सेट्स। ओके डीएम की प्लेलिस्ट अभी हमारी नेक्स्ट रहेगी, तो उसमें बहुत प्यार से मैं आपको सेट्स का सभी इन्फो दे दूंगा आप। ओके पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात कहनी है मुझे, सेट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है। ओके रिवर वाले प्रॉब्लम, ओके रिवर वाले प्रॉब्लम जो भी होंगे, वर्क वाले प्रॉब्लम होंगे और टाइम एंड डिस्टेंस वाले जो प्रॉब्लम होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके एप्टी अभी हम बंद करेंगे, डीएम शुरू करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। पर रिवर वर्क और टाइम का सबसे बेस्ट वीडियोस बनाऊंगा मैं, कब बनाऊंगा डीएम की एक बार प्लेलिस्ट हो जान दो, पाँच से दस दिन दो मुझे, 5 से 10 दिन में आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पूरा उड़ा दूंगा मैं विदाउट एनी टेंशन। एक भी ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ओके 8 से 10 मार्क आपके कन्फर्म हो जाएंगे डीएम में। पर आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी शो करनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, आपको जो मैंने एप्टी के लिए आपका आर एस अग्रवाल का बुक दिया है, नहीं तो वर्कशीट दिया है जो कि सॉल्व करने चाहिए होमवर्क में, तो वो वाले आपको क्लियर करने हैं। चलो एक क्विक एक फॉर्मूला देख लेंगे जिसपे से गेट में अब तक 20 मार्क आए हैं। ओके तो सेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके तो इसका क्या होगा, यूनियन क्या होगा, तो सेट ऑफ ए पहले तो वैल्यू लेनी है उसकी, सेट ऑफ बी लेनी है, बाद में सेट ऑफ सी लेनी है, मतलब नंबर्स कितने नंबर्स का है, मतलब एक सेट हो गया इवन नंबर्स बिटवीन 2 to 10 उसमें के। ओके तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपको बाय हार्ट होना चाहिए, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन और लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन, ये वाला फॉर्मूला आपको 20 मार्क अब तक गेट में दिला चुका है। ओके हर 10 साल तक ये गेट में आ चुका है, 10 कौन से भी रैंडम ईयर्स आप पिक कर लो, और हर बार कुछ ना कुछ इन ये जो 7-8 वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू नेगलेक्ट करके वो पूछ देते हैं आपको क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू ऑल।